अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक नए दिन और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम IBL फार्मा को डिस्कस करने जा रहे हैं। IBL हेल्थ केयर जो कि सरल फार्मा की सब्सिडरी कंपनी है, एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है और इस वक्त फार्मा सेक्टर जो है वो वैसे भी बेनिफिशियल है क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है वो 70% अप्रूवल इनको दे दी है प्राइस में इंक्रीज़ की। तो कम पैसों में एक अच्छी कंपनी है IBL हेल्थ केयर, तो इसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और मेरी कोशिश हमेशा से ये होती है कि अच्छे से अच्छे स्टॉक के बारे में आपको बताऊँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो डिस्कस करते हैं आज का स्टॉक IBL हेल्थ केयर। सबसे पहले IBL हेल्थ केयर का इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूं। ये कंपनी IBL ग्रुप की कंपनी है जिसमें बहुत सारी कंपनीज एसोसिएटेड है। IBL एक बहुत बड़ा ग्रुप है और इस ग्रुप की जो सबसे बड़ी कंपनी है और सबसे मशहूर वो है सरल फार्मा कंपनी, और सर फार्मा की सब्सिडरी जो है वो IBL हेल्थ केयर है। तो ये दोनों जो है वो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये। तो इसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं IBL हेल्थ केयर का। करंट प्राइस इस वक्त ये ट्रेड हो रहा है 33.50 पे। इस वक्त ये 52 वीक के लो पर है इस वक्त अपने। मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख लें 2.50 बिलियन है। EPS अब तक का दो क्वार्टर का इसका आया है 2.40 है, जो कि लास्ट ईयर भी सेम था मतलब। और आप देख लें कि इस वक्त तमाम जो फार्मा कंपनीज हैं उनकी अर्निंग में जो है वो डिक्लाइन आया है, लेकिन IBL की जो अर्निंग है वो इस वक्त लास्ट ईयर के मुकाबले में सेम है। तो एक बहुत अच्छा है ये। बुक वैल्यू आप देखें 28 है। PE रेशियो 7.33 है। ईयरली डिविडेंड लास्ट ईयर इसने डिविडेंड अनाउंस किया, 10% डिविडेंड और 10% बोनस दिया। तो ये शेयर बाकायदगी से हर साल जो है वो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड और बोनस दोनों देता है। और हिस्ट्री का हाई आप देख लें 182.94, 2017 में था ये इसका हिस्ट्री का हाई। आप देखें इतनी ज़्यादा वैल्यू का शेयर आपको इतने कम प्राइस में इस वक्त मिल रहा है और जो कि हर साल बाकायदगी से डिविडेंड और बोनस दोनों देता है। तो ये शेयर जो है वो आपके बहुत अच्छे पैसों में मिल रहा है इस वक्त। मैं ये समझता हूँ कि 33.50 पे आपको इसको ज़रूर बाय करना चाहिए। ये कम पैसों में आपको बड़ी कंपनी मिल रही है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और आप देखेंगे कि अभी कुछ दिनों में जो है वो फार्मा सेक्टर जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाला है क्योंकि बस इनके जो एक ही हर्डल था जो कि गवर्नमेंट ने वो भी दूर कर दिए और अब ये दोबारा से जो है वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि जो बाकायदगी से डिविडेंड और बोनस दे, तो मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड करता हूँ IBL हेल्थ केयर फार्मा को। आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉस के चांसेस भी इस कंपनी में बहुत कम है कि कंपनी मुसलसल अर्निंग में है और शेयर इस वक्त 52 वीक के लो पर ट्रेड हो रहा है। व्यूअर्स, मेरी कोशिश हमेशा से यही होती है कि मैं आपको जो है वो अच्छे से अच्छे स्टॉक के बारे में बताऊं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या अपने कैपिटल गेन को बढ़ाना चाहते हैं, तो हर कोई चाहता है कि उसको जो है वो अच्छा प्रॉफिट हो और अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो IBL हेल्थ केयर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको रिकमेंडेड नहीं कर रहा, ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंडेड कर रहा हूँ क्योंकि IBL हेल्थ केयर में वॉल्यूम थोड़े से कम होते हैं
लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जो है ना ये शेयर आपको बहुत फ़ायदा देगा, फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा है ये। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये कंपनी जो है वो एक बेटर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर में आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है, और कैपिटल गेन के साथ साथ आपको जो है वो डिविडेंड और बोनस हर साल मिलते रहेंगे, क्योंकि ये शेयर जो है वो कंसिस्टेंटली जो है वो हर साल अच्छा डिविडेंड और बोनस ज़रूर अनाउंस करता है। तो व्यूअर्स, आज हमने जो है डिटेल में IVL हेल्थ केयर को डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिल सकें। तो व्यूअर्स, अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।